हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ICMR NIV की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की ओर से ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई। तो जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो 30 अक्टूबर तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन चलते हैं इसकी डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। दोस्तों अप्रेंटिस ट्रेनिंग के रिक्रूटमेंट के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अंडर में आता है, पुणे की ओर से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, जारी किया गया। एप्लीकेशन यहाँ पे मांगे गए एलिजिबल जिन कैंडिडेट के आवास में ITI की क्वालिफिकेशन है उन कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इलेक्ट्रीशियन के 8 पद, प्लम्बर की 2 वैकेंसी, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग के 2 पद, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की 13 वैकेंसी है, कारपेंटर की 2 वैकेंसी है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 2 वैकेंसी है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मैनेजमेंट यानी ICTSM की 2 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 31 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। सभी में कैंडिडेट के पास में ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 1 साल के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग रखी जाएगी। अब अपने यहाँ पे बात करें स्टाइपेंड की, तो यहाँ पे 9,770 प्लस 8,685 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट को पेड किया जाएंगे। ITI पास आउट कैंडिडेट जिन्होंने पहले कभी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया, जिन्होंने की ट्रेनिंग कहीं पे नहीं हुई है, जिनके पास 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, वो कैंडिडेट इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसके साथ कैंडिडेट को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वो अटैच करके अप्रेंटिसशिप NIV@gmail.com के ऊपर 30 अक्टूबर 2024 से पहले पहले कैंडिडेट को मेल करनी यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो फोटो ID, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज और जो 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स है वो कैंडिडेट को साथ लेके जानी है। कैंडिडेट को यहाँ पे न तो एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में भरना है, ऑफलाइन मोड में फिलअप करने के बाद उसको बाई पोस्ट नहीं भेज के जरिए ईमेल ही आपको यहाँ पे भेजना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हो, यहाँ पे लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको चेक करना है, फिर बायोडाटा आपको अपने यहाँ डालना है, ब्लॉक लेटर्स में आपको अपने नाम लिखना है, उसके बाद हिंदी में आपको नाम लिखना है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, हस्बैंड, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आपको बिल्कुल इसमें एक्यूरेट और सही सही आपको एंटर करनी है, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन आपको इसी के माध्यम से किया जाएगा। परमानेंट एड्रेस डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे डालनी है, वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन वगैरह तो आपको यहाँ पे डालना है। नीचे आपको सिग्नेचर का ऑप्शन दिया, उसके ऊपर आपको सिग्नेचर है वो करने है, और आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कम्युनिटी से जुड़े हुए चाहिए उन सभी की फोटोकॉपीज करवा कर उनको स्कैन करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप चाहो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से उसको भी यहाँ पे स्कैन करके उनको यहाँ पे भेज सकते हैं। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं वो जल्दी से अपना ईमेल कर दे, क्योंकि अभी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 28 अक्टूबर को बना रहा हूँ, तो 2 दिन ही कैंडिडेट के पास बचे हैं, तो सारे अप्लीकेशन फॉर्म अच्छी तरीके से फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके ईमेल है वो कर सकते हैं। ईमेल ID का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, जिससे आप ईमेल कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।